नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत चक्रवर्ती आपको आज एक नई चीज़ बताने जा रहा हूँ। वीवो Y50 मोबाइल में अगर आपको फिंगरप्रिंट डालना है, पासवर्ड प्रोटेक्ट करना है, तो कैसे करेंगे इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद मोबाइल की आपको ये मिलेगा फिंगरप्रिंट फेस एंड पासवर्ड। इस पर क्लिक करेंगे, फिंगरप्रिंट ऑप्शन ऊपर सबसे रहता है, फेस ऑप्शन रहता है, स्क्रीन लॉक रहता है, स्मार्ट अनलॉक रहता है। इसमें आपको फिंगरप्रिंट ऑप्शन पर जाना है ताकि आपको जो आपकी उंगलियां हैं उनसे आपका प्रोटेक्ट हो जाए। पीछे सेंसर रहता है मोबाइल के, उसमें आपको टच कर रहे साथ आपका खुल जाए। तो इसके लिए सबसे पहले फिंगरप्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे वो क्या है, मैंने पासवर्ड डाल के रखा था इसलिए पासवर्ड मांग रहा है, तो मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया है मोबाइल का। पासवर्ड डालने के बाद ये ओपन आ जाता है और यहाँ पर ये चलो मैंने 3-4 फिंगर अपने सेट करके रखे हैं। यहाँ पर नन रहता है अगर आप मोबाइल लिए हैं, और अगर आप फिंगर अपना ऐड करना चाहते हैं तो ऐड फिंगर ऑप्शन पर जाएंगे। अब पूछता है रजिस्टर्ड ऑफ फिंगर प्रिंट, तो अब जैसे रजिस्टर्ड ऑफ फिंगर प्रिंट पर जैसे ही पूछेगा तो उसमें सबसे पहले आपको फिंगर प्रिंट डालना पड़ेगा। तो मैंने जो फिंगर नहीं डाला है मैं वो डालूंगा। तो इसमें देखिए आप, मैं डाल रहा हूँ तो इसमें ये थंब बन के आएगा, ये आया, ये फर्स्ट आया। अब मूव योर फिंगर, सेकेंड फिंगर डालना आपको, सेकेंड फिंगर डाला, प्लेस मूव थर्ड फिंगर, थर्ड फिंगर फिर अपन डालेंगे इसमें, थर्ड फिंगर डाला, उसके बाद फिर से फर्स्ट फिंगर पे आ जाएंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड। फिर जिस तरीके से आप डालते जा रहे हैं, ये डाला आपने ये फर्स्ट फिंगर, अब जैसे ही आपने ये कंप्लीट किया उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद फिर से आपको फिंगर डालने हैं, जो फिंगर आपने डाले थे, तो फर्स्ट फिंगर, सेकेंड फिंगर और थर्ड फिंगर। उसके बाद फिर फर्स्ट फिंगर पर आ गए, सेकेंड फिंगर, अब जैसे वो कंप्लीट होगा तो ओके कर दिया। ओके करने के बाद आपका फिंगर हो गया ऐड। फिंगर ऐड होने के बाद आप इसको करेंगे लॉक को ओपन करेंगे। तो मैं जैसे अपनी फिंगर लगाता हूँ यहाँ पे, ये डायरेक्ट ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है, ओपन हो गया, टच करते साथ ओपन हो गया, ओपन हो गया मोबाइल। अब इसके बाद एक आपको एक चीज़ और बता दूँ, फेस फिंगर और स्क्रीन लॉक। स्क्रीन लॉक ऑप्शन में आपको टच करना है, यहाँ प्रोटेक्ट पासवर्ड डाला हुआ है, मैंने पासवर्ड अपने डाला है। अब यहाँ पे पूछता है कि आपको 4 डिजिट का पासवर्ड बनाना है, 6 डिजिट का पासवर्ड बनाना है, या आपको अपना पासवर्ड कोई पैटर्न लॉक में चाहिए है। तो पैटर्न लॉक जनरली सब चलाते हैं, पासवर्ड में डिजिटल चला रहा हूँ। डिजिटल पासवर्ड में आपको या तो स्विप ऑप्शन चाहिए तो स्विप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप डायरेक्ट फेस ऊपर करेंगे तो खुल जाएगा। अगर मैं जैसे मैं एक बार आपको करके बता दूँ, कंटिन्यू कर देता हूँ यहाँ पर। अब ये जैसे ही मैंने स्विच ऑप्शन किया है, अब यहाँ पर मैंने प्रोटेक्ट किया, अब उसके बाद जैसे ही मैंने ऊपर किया ये खुल गया पासवर्ड, ये देख रहे हैं आप। अब इसके बाद अगर स्क्रीन लॉक ऑप्शन में मेरे को जाना है, ये स्विप ऑप्शन दिखा रहा है, स्क्रीन लॉक ऑप्शन में गया, अगर मेरे को पासवर्ड डालना है तो मैं पासवर्ड पे ऑप्शन पे जाऊंगा, प्लीज़ रिमेंबर यूअर लॉक स्क्रीन पासवर्ड एस कैन नॉट बी रिकवर यूअर वन फॉरगेट। अब यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड डाल रहा हूँ। अब वो पूछता है कि आपने जो पासवर्ड डाला था वो सही है कि नहीं, कंटिन्यू ऑप्शन पूछेगा, कंटिन्यू किया मैंने। उसके बाद रिमेंबर यूअर लॉक स्क्रीन पासवर्ड एज कैन नॉट रिकवर, तो मैं वही पासवर्ड फिर से डालता हूँ वेरीफाई करने के लिए। जैसे मैंने वो पासवर्ड डाला वो खुल गया। तो यहाँ से आप पासवर्ड अपना बना सकते हैं। तो ये मेरा ऑलरेडी पहले से था इसलिए वो ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो इसमें से आप पासवर्ड नन भी कर सकते हैं, ये पासवर्ड आ गया यहाँ पर जो मैंने पासवर्ड डाला था। तो ये पैटर्न लॉक ऑप्शन है, 6 डिजिट पासवर्ड भी कर सकते हैं, 6 डिजिट का पासवर्ड बना सकते हैं। स्मार्ट अनलॉक ऑप्शन है, इस पर भी जाके स्मार्ट अनलॉक से लॉक स्क्रीन पर पासवर्ड डाल सकते हैं। ऐसे देखिए पासवर्ड मैंने अपना प्रोटेक्ट किया। अब ये हो रहा है कि ब्लूटूथ मोस्ट बी एनेबल टू दिस फंक्शन, प्लीज़ टैप टू सेट। अब ब्लूटूथ डिवाइस से अपना मोबाइल कनेक्ट करके आप इसको खोल सकते हैं। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ओके, आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।